तो क्या दोस्तों आप लोग के मन में भी कुछ इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या हमें इन 4G हॉटस्पॉट को परचेस करना चाहिए या नहीं, क्या इनकी स्पीड हमारे मोबाइल के इंटरनेट स्पीड से ज्यादा रहती है या कम रहती है, और हमारे मोबाइल में जो हॉटस्पॉट हम दूसरों को इंटरनेट शेयर करने के लिए यूज करते हैं और इस 4G हॉटस्पॉट में क्या डिफरेंस है, कुछ इस तरह के यदि आप लोगों के मन में सवाल आते हैं या फिर कुछ कंफ्यूजन होता है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो है आपके कंफ्यूजन के पूरा मतलब मैं क्लियर कर दूंगा, आपके कंफ्यूजन जितना भी है इन 4G हॉटस्पॉट और मोबाइल सिम से रिलेटेड दोस्तों, तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इन 4G हॉटस्पॉट की स्पीड हमारे मोबाइल में लगी हुई सिम की स्पीड मतलब इंटरनेट स्पीड से ज्यादा रहती है या कम रहती है। मतलब कि यदि हम इन 4G हॉटस्पॉट को अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद नेट चलाएंगे या फिर कुछ चीज डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, किसी भी जो है ब्राउजर को एक्सेस करेंगे, तो क्या हमको स्पीड हाई मिलेगी या नहीं। दोस्तों इसका आंसर जो है मैं पहले भी दे चुका हूँ, मतलब आपको जो है मैंने वीडियो बना के दिखाई है, मैंने इन 4G हॉटस्पॉट को और मोबाइल में लगी हुई सिम दोनों को मतलब कंपैरिजन करके बताया है कि किसकी स्पीड जो है ज्यादा मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मतलब 4G हॉटस्पॉट का यूज करेंगे अपने मोबाइल में किसी भी मतलब इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो जो स्पीड होती है आपके मोबाइल में लगी हुई सिम की स्पीड मतलब इंटरनेट स्पीड और इस इस हॉटस्पॉट की स्पीड दोनों ही लगभग बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही स्पीड जो है एवरेज होती है। मतलब कि यदि आप को जो है 10 MB/s इस 4G हॉटस्पॉट का यूज करने से मिल रही है, तो आपको जो है आपके मोबाइल सिम की स्पीड भी लगभग 10 MB/s ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि क्यों खरीदें फिर जब हम हमारे मोबाइल में ही हमको इतनी स्पीड मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस 4G हॉटस्पॉट की जरूरत आपको कब पड़ती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको तीन रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन ये है कि जब भी आप किसी लैपटॉप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो वहां पर जो है आप इसका यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस 4G हॉटस्पॉट का यूज कीजिए। मैं खुद करता हूँ, तो जो है आपको जो है यदि आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को तो वो स्पीड और इसकी स्पीड में अंतर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका सिस्टम जो है ये 4G हॉटस्पॉट की स्पीड पर अच्छा चलता है और मोबाइल में कनेक्ट किए हुए हॉटस्पॉट की स्पीड कम रहती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये पहला हो गया, और दूसरा जो है कि यदि आप मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल में नेट चला रहे हैं, ठीक है मोबाइल में ही नेट चला रहे हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है नेटवर्क नहीं मिलता है, तो दोस्तों वहां पर जो है इस तरह के जो है हॉटस्पॉट काम आते हैं। आप इन हॉटस्पॉट को थोड़ी ऊंचाई पर रख सकते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से सिग्नल को पकड़ पाए, तो दोस्तों आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा जो है, तीसरा जो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को शेयर करते हैं किसी को हॉटस्पॉट के थ्रू, तो दोस्तों वहां पर जो है 2 या 3 लोग को यदि आप शेयर कर देते हैं आपके हॉटस्पॉट को, तो वहां पर जो है स्पीड जो है बहुत ही खराब आपको मिलेगी। आप मतलब आप भी अच्छे से नेट नहीं चला पाएंगे और दूसरे लोग भी नेट नहीं चला पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो 4G हॉटस्पॉट है यदि आप इसको शेयर करते हैं मतलब आप कनेक्ट कर लेते हैं या 4-5 लोग कनेक्ट करके चलाएंगे तो भी इसकी स्पीड जो है अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू मोबाइल के हॉटस्पॉट की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस तरह के जो है मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, और मेरे हिसाब से तो यदि आप मतलब सिस्टम पे काम करते हैं तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काम करते हैं तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोगों को इन दोनों के बीच कंपैरिजन देखना है तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ एयरटेल सिम वर्सेस एयरटेल माई वाईफाई की स्पीड टेस्ट के ऊपर, और जियो सिम वर्सेस जियो फाइव दोनों की स्पीड टेस्ट के ऊपर। आप जाके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको जो है आपके जो कंफ्यूजन है उन जवाब सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आप प्लीज अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। धन्यवाद।